जय श्री कृष्ण। अभी बारिश का मौसम है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है कि बांसुरी में एक जो होता है फफूंदी सा लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद सा, तो इसको कैसे सफाई करें, इसका क्या टेक्निक है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज, इसको बोलते हैं फ्लूट क्लीनर बोलते हैं। पूनम फ्लूट सुभाष जी से इसका क्लीन करने के लिए मंगवाया है, जो स्पेशल आता है इसके लिए, बांसुरी क्लीनिंग के लिए ही आता है। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे इससे करते हैं सफाई। ओके, तो कहाँ से खोलें, इधर से खोलते हैं, इधर से खोलने पे भी आ जाएगा ना। चलो इधर से तो देखते हैं कैसा है। इससे पहले भी मेरे फ्लूट सेट के साथ आया था क्लीनर इसका, तो आप जैसे चाहने वाले एक स्टूडेंट ने उनको चाहिए था तो वो ले गए, फिर मुझे दूसरा मंगाना पड़ा, तो अभी आया है ये। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है, तो दिखाते हैं इसका कैसे है। वाह, तो ये ऐसे पैक आता है, बहुत अच्छा बैग है इसका स्पेशल। और इसको ऐसे खोलते हैं और वाह, ये रहा छोटा। इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे, इसमें प्लस माइनस है, तो ऐसे करके प्लस करते हैं। ये 30 इंच से 40 इंच तक का आता है, तो मेरे पास तो 40 इंच तक का, मतलब 38 इंच तक का तो बांसुरी ही है, तो मैंने 40 इंच का मंगाया। तो आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में, कहाँ से बुक करना है, कैसे इसको मंगाना है। तो ये बहुत प्यारा है, छोटी भी और बड़ी बांसुरी में भी सफाई करने के लिए। जैसे ये है, इसमें कपड़ा लगा हुआ है और इसमें ऑप्शन होता है ऐसे करके कपड़ा लगा कर ऐसे लगा दिए इलास्टिक। इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसे करके कपड़ा डाल दिए, सूती का प्योर या मखमली टाइप का, और उसको ऐसे लगा दिए, और ये बहुत प्यार से अंदर तक की सफाई कर दी है, और रखने में भी सुरक्षित है। ये होना चाहिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है, स्पेशल चीज़ होता है अपने बांसुरी के लिए। ओहो, मेरी बांसुरी में भी लग गया, राम राम राम। ऐसे करके अंदर तक की सफाई कर दी है। बारिश के मौसम में लग जाता है फफूंदी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है ना। ये देखिए काला हो गया, क्योंकि ये नेचुरल प्राकृतिक चीज़ है ना। कोई अब कुछ भी है तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा प्राकृतिक का प्रभाव पड़ ही जाता है ना। तो ये नेचुरल चीज़ है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मौसम के अनुसार इसकी प्रभाव पड़ता है प्राकृतिक बांसुरी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इससे ऐसे करके साफ कर सकते हैं, या कोई कपड़े हो तो उससे भी आप सुविधा के अच्छे तरीके से बांसुरी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से सफाई कर दिए अंदर तक, और इसे ऐसे कर दिए, ये भी कर दिए, ये सब ऐसे। अब मैं आपको बड़ी बांसुरी अपनी सफाई करके दिखाता हूँ। वेरी लॉन्ग, बहुत प्यारा है। ओके, तो ये मेरा है शीशा का, तो ऐसे करके डाल दिए अंदर तक की सफाई हो जाएगी, ऐसे करके बड़ी प्यार से, ऐसे करके सफाई। थोड़ी सी थी, तो ये है आपका बांसुरी क्लीन करने के लिए। संभव हो तो जरूर परचेज करिए, और फिर ऐसे करके पैक करके रख दिए।
अच्छा लगे रखती है। अपने बांसुरी के स्वरों पे ठहराव लाइए, ठहराव से ही आप मेडिटेशन फ्लूट बजा पाएंगे, और जिसको स्लो बजाने आ जाएगा उसको स्पीड में भी बजाने आ जाएगा। पहले आपको स्वर को समझना पड़ेगा, और स्वर को समझने के लिए आपको स्वर पे ठहरना पड़ेगा। स्वर एक ही स्वर को कई मिनट कई घंटे तक बजाते रहेंगे तब उसकी समझ बनेगी। तो ऐसी समझ बनाइए, ऐसी रियाज करिए, और फिर खूब मेहनत करिए और खूब आगे। तो बताइएगा कैसा लगा आपको। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो आप ज़रूर परचेज करिएगा, और खूब मेहनत करिए, खूब बांसुरी बजाइए, खूब आगे बढ़िए। ओके, जय श्री कृष्ण, बाय।